नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स और भी न जाने कितने नामों से जाना जाता है इसे। कई रंग होते हैं इसके और कभी कभार तो ये रंगहीन भी हो जाती है। लेकिन इतना तो तय है कि किसी भी सूबे की सियासत भी कामयाब तभी होती है जब सरकारी सीटों पर बैठे नुमाइंदे सियासत करने वाले मुखिया के अपने हों, सूबे की सरकार उन्हें चाहती हो, जो उनके इशारों पर चल सके, सीधी भाषा में बात की जाए तो उनकी कठपुतली बन सके। क्योंकि जब भी किसी प्रदेश की सरकार बदलती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम यही होता है कि वो ऊंची सीटों पर बैठे नुमाइंदों को अपने मुताबिक कुर्सी सौंपे, क्योंकि यहां तो पूरा खेल ही कुर्सी का होता है जनाब। अब राजस्थान की तस्वीर को ही देख लीजिए। पुलिस बेड़े के मुखिया ने जब नौकरी छोड़ने की इच्छा जता दी और वक्त से पहले ही रिटायरमेंट मांग लिया, या यूं कहें कि दे दिया, तो फिर नजर अपनों पर ही टिकनी थी। दरअसल इस तरह के मामलों में अचानक कुछ नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान होता है और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुर्सी चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, अपनों को दे दी गई। लेकिन जनाब, ऊपरी लेवल पर भी इस तरह के मामलों में सियासत तो होती ही है और वो इस वक्त हमारे सूबे यानी राजस्थान के लिए भी हो रही है। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया चाहते हैं कि साहब उनकी कुर्सी कायम रहे, और दूसरी तरफ जिन्हें टेम्परेरी तौर पर खाकी का मुखिया बनाया गया, उनकी सोच ये कि काश उनके नाम पर परमानेंट ठप्पा लग जाए। जनाब, हर जगह कुर्सी की लड़ाई। सूबे की सरकार चाहती है कि जो भी बड़ी कुर्सी हो उन पर अपनों के नाम ही लिखे जाएं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां चाहती है कि कहीं तो कोई उनका अपना हो। दरअसल आज ये बात इसलिए हो रही है कि माना जा रहा है कि अगले सात दिन सूबे की ब्यूरोक्रेसी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली में सूबे की तीन अहम फाइलों पर नतीजा आना है, या यूं कहें कि आ सकता है। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि इसके लिए दिल्ली में लड़ाई कमल वाले भी अपनी लड़ाई लड़ने में लगे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के रूप में उनका कोई अपना हो, खाकी के बेड़े के रूप में उनका अपना कोई सिपह सालार हो। अब बस पसोपेश वाली हालत है, क्योंकि सूबे की सरकार भी नहीं चाहेगी कि उनकी चाहत के बिगैर किसी दूसरे के नाम की लॉटरी खुले, क्योंकि ये भी जाहिर है कि सरकार को चलाने का जिम्मा काफी हद तक ब्यूरोक्रेसी पर भी टिका होता है, और अगर वो विपरीत राशि वाली हो जाती है तो तकलीफ तो होना ही है। कई वो ऐलान होते हैं जो सरकार अपने स्तर पर करती है और आखिर तक उनकी खबर किसी को नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर सब कुछ मुश्किल भरा भी हो सकता है। बहरहाल अब सभी की नजरें टिकी है तो दिल्ली पर, यानी सियासत और ब्यूरोक्रेसी का यह मुश्किल भरा सफर अब जयपुर से दिल्ली तक जा पहुंचा है। देखना यही होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। इंतजार नामों की लॉटरी का भी सभी को है, क्योंकि अभी तो सूबे की सरकार की भी सांस तो अटकी हुई है, क्योंकि मुद्दा तो ये भी बड़ा है। नमस्कार।